हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं जी के करंट अफेयर, जिसको आप है जो यूपीएससी या रेलवे या चंडीगढ़ पुलिस कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए रीड कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर है जो हर एग्ज़ाम में आती हैं। तो हम इस चैनल पे है जो करंट अफेयर है जो डेली अपडेट करते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडी के क्वेश्चन जी के, साइंस जी के और कंप्यूटर जी के की वीडियो भी हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। HDFC लाइफ का नया CEO कौन है? वो हैं विभा पाटलकर। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विजय शंकर व्यास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? वो थे अर्थशास्त्र। दक्षिण सहयोग के लिए, डबल लिखा हुआ है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वह है 12 सितंबर को। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल वाणिज्य पर हाल ही में है प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल वाणिज्य 2018 में कौन सा उद्योग का हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा है? वो है ऑनलाइन यात्रा उद्योग। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2018 किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया दक्षिण कोरिया में। किस राज्य सरकार ने 12 सितंबर को भीड़ हिंसा से प्रभावित लोगों को 1 लाख रुपए की अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है? वो है बिहार की राज्य सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक विशेष निकाय है? वो है संयुक्त राष्ट्र। यूरोपीय संघ द्वारा लोकतांत्रिक नियमों को कम करने के लिए कौन से यूरोपीय देश को दंडकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? को हंगरी को। भारत का नया मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है रंजन गोगोई, जो भारत के नए मुख्याधीश होंगे। गरीब और कमजोर वर्गों के क्षेत्रों में सॉरी छात्रों में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भारत के पहले मोबाइल ऐप का नाम क्या है? वो है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, उस ऐप का नाम है। रूस के राष्ट्रपति ने किस देश के प्रधानमंत्री के समक्ष 7 दशक से प्रशांत महासागर में स्थित कुछ द्वीपों को लेकर चल रहे विवाद पर हाल ही में शांति समझौते की पेशकश की है? वह जापान के साथ, जापान के हैं जो राष्ट्रपति। किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी? वह पाकिस्तान में। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने का फैसला किया है, उन्हें वर्ष 2012 में भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? वो किया था अर्जुन पुरस्कार से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कौन सा गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड को तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने तीसरा गेंदबाज बन गया है? वह जेम्स एंडरसन। खिड़की मस्जिद परिसर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 254 तांबे के मध्यकालीन सिक्कों का खजाना खोजा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? वह संस्कृत मंत्रालय के अधीन। सरकार ने सेरिडन डिकोलड बिक्स एक्शन 500 कोरे का समेत कितनी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है?
328 दवाओं पर। 13 सितंबर 2018 को इस्पात मंत्रालय द्वारा पहली बार द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार किस शहर में आयोजित समारोह में दिए गए हैं? जी दिए गए नई दिल्ली में 16 सितंबर से 29 सितंबर 2018 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2018 को किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। किसानों को उनकी उपज सही मूल्य दिलाने के लिए किसने एक नई योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दे दी है? दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। भारत के किस राज्य ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जो दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 12 पुरस्कार अपने नाम किए हैं? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। सुप्रेंड जी, आज की जीके एंड करंट अफेयर थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।